हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो न्यूज। काबे के गिलाफ से जुड़ी वो जानकारियां जिन्हें बहुत कम मुसलमान जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं आपको बताती हूँ आगे की पूरी खबर। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रूस और पूर्व सोवियत गणराज्यों के 200 लोग मंगलवार को काबा शिकवा देखने के लिए किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। वह उमराह के लिए किंग सलमान कार्यक्रम के मेहमान तौर पर आए। मेहमानों के कार्यक्रम के 11वें बेंच का प्रतिनिधित्व किया और ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान और बेलारूस से आए। यात्रा की शुरुआत में मेहमानों को किस्वा को बनाने के चरणों, इसके इतिहास, इसको बनाने में लगने वाली चीजें और कैसे किंग अब्दुल अजीज परिसर की स्थापना की गई थी। बाद में उन्होंने किस्वा को बनाने के अलग अलग खंडों का निरीक्षण किया और आखिर में उन्होंने सबके साथ ग्रुप में तस्वीर ली। उन्होंने बताया है कि काबा किस्वा को तैयार करने में 700 किलोग्राम रेशम और 120 किलोग्राम सोने और चांदी के धागे का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 47 कपड़ों के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। हर कपड़ों की लंबाई 14 मीटर है और 101 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसके बाद उन्होंने दो पवित्र मस्जिदों के आर्किटेक्चर प्रदर्शनी का दौरा किया और दुर्लभ वस्तुओं, हस्तलिखित बेशुमार कीमती प्राचीन वस्तुओं, साथ ही दो पवित्र मस्जिदों को ऐतिहासिक तस्वीरों और मस्जिदों के पुराने और नए गुणों, जमजम और काबे का दरवाजा देखा। मेहमानों ने प्रदर्शनी में लगी सभी चीजों की सराहना की और इसके डिजाइन की तारीफ की, जिससे उन्हें दो पवित्र मस्जिदों के इतिहास और वास्तुकला को समझने का मौका मिला। कजाकिस्तान के शम्स उल दीन करीम ने उमराह के लिए तीर्थयात्रियों और कई बड़ी परियोजनाओं को मक्का और पवित्र स्थलों के साथ साथ दो धार्मिक मस्जिदों में किए जाने वाले कई बड़े कार्यक्रमों के लिए किंग सलमान कार्यक्रम की सराहना की। उज्बेकिस्तान में इमामों और मस्जिदों के निदेशक शेख मोहम्मद बाबर अब्दुल रहमान ने भी तीर्थयात्रियों को राज द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को सराहना की और कहा है कि उन्होंने किंग सलमान कार्यक्रम को विद्वानों के लिए एक मंच माना और इस्लामिक देशों के आसपास की चुनौतियों के मुकाबले मुसलमानों के एकजुट होने का मौका मिला। अजरबैजान के ग्लोबल इकोनॉमिक सोसाइटी के सदस्य अरशद करीम ने इस्लामिक कारणों और मुस्लिमों को दुनिया भर में पेश करने में राज्य की प्रमुख भूमिका उल्लेख किया। उन्होंने मक्का में उन्नत परियोजनाओं और पवित्र स्थानों की सराहना भी की जिन्होंने तीर्थयात्रियों को अपने मक्का हज और उमराह को आसानी से और आराम से करने की इजाजत दी है। दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। बाकी दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोजाना हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाती रहती हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।